हेलो गाइस, ये वो सारे शिरजु, इतने सारे शिरजु देखे आज तक कभी? सॉल इतने यार, इतने सारे शिरजु देना, कैसे बिल्ली के बच्चे की तरह घुस गए आपस में भाई साहब। मतलब इतने सारे शिरजु एक घर में हो, कितना मजा आएगा ना। हेलो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। स्पेस की मार्किंग इतनी अच्छी है ना इनकी, एंड आप देख सकते हो क्वालिटी क्या है। हर एक की अलग अलग मार्किंग है, हर एक की अलग अलग मार्किंग। और इतने सारे क्यूट क्यूट पप्पीज हैं। देखो ना, इधर देखो, इधर क्या कर रहा है, क्या ऊपर रख क्या। मैं पुकी का भाई, यार पागल हो गए। ये माल्टीज है, देखो हेयर ड्रिंक करके पता ही नहीं चला। हे व्हाट्स अप फैम, क्या हाल चाल, इट्स योर बॉय जेरी। किदा कैंट हो सारे। सो फिलहाल यार हम आए हुए हैं कुरुक्षेत्र के आगे एक बहुत ही प्यारे विलेज में अपने बड़े भाई के पास, जिन्होंने कुकी को लाने का व्लॉग देखा था कि कहां से मैं कुकी को लेकर आया और कुकी कैसे आई। जिसने नहीं देखा ऊपर आई बटन में जाके चेक कर लेना, और देखते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो जहाँ से मैं कुकी को लेने आया था, आज मैं वहाँ आया हूँ भाई के पास, जो शिटजू की टॉप क्वालिटी की हरियाणा में शिटजू की ब्रीडिंग करते हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया तो यार बहुत बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, ऐसे हमारे हरियाणा के बहुत बड़े ब्रीडर्स में से हमारे भाई हैं। क्योंकि तुम्हें पता है हमने कुकी यहाँ से ली थी, कुकी की क्वालिटी टॉप नॉच है। तो यहाँ पे कुकी के भाई बहन हो रखे हैं, देखो दिख रहे हैं पीछे, ये देखो दिख रहे हैं, अभी दिखाने वाला हूँ। छत पे लेकर आए हैं हम, क्योंकि होम ब्रीडिंग सेटअप है भैया का, और बच्चे फिलहाल नीचे घर में पड़े थे, घर में कमरे में पड़े थे, तो फैमिली थी तो इसलिए हम छत पे लाया था कि अच्छे से कवर कर सके। अभी फिलहाल मैं आपको भाई से मिलवाता हूँ, और आज हम आपको कुकी के पपीज़ का बताने वाले हैं भाई क्या रेट के पड़ेंगे। जिसने लेना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक, कॉन्टैक्ट करना बेचिंतोगे, टाइम पासर स्टे अवे। सो फिलहाल इधर बैठे हैं हमारे पास अभिषेक भाई। भाई क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक हो? बहुत बढ़िया। हम ऑन कैमरा भी हाथ मिला लेते हैं उनसे पहले, भाई के साथ बैठ गया, बैठो बैठो, ठीक है। सो इधर अपना कुनाल आया हुआ है। सो फिलहाल आपके पास अभी को क्या हो रहे हैं, मतलब शिट्ज़ु में क्या हो रहा है? शिट्ज़ु में बच्चे हो रहे हैं, मेल फीमेल पड़े हैं, मेल फीमेल पड़े हैं जी, मतलब फीमेल का मिल जाता है। सो भाई अपने पास फिलहाल कितने फीमेल्स ने बच्चे दे रखे हैं? तीन फीमेल ने बच्चे दे रखे हैं। फिलहाल हमने लोकेशन चेंज कर दी बिकॉज मेरा फोन आ गया था, और साथ के साथ बच्चे रहे ये। ये देखो भाई साहब कितने ज्यादा शिट्ज़ु के पप्पीज हैं। क्या बात है। यहाँ पे फिलहाल हमने ये खुली छत पे यहाँ पे लेके आए हैं, और इनको यहाँ छोड़ रखा है। सो वीडियो फर्दर प्रोसीड करने से पहले आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मास बाय जीएचसी का फॉर्मिंग फेस वॉश। सो एक नॉर्मल फेस वॉश नहीं है, इस फेस वॉश के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो टॉप नॉच हैं, लाइक एलोवेरा, टी ट्री एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, और तो रोज ऑयल तक है इसके अंदर। एंड सेकंड मेजर थिंग इज इसके साथ हमें मिलता है बिल्ट इन ब्रश, जिससे हम अपनी स्किन को सर्कुलर मोशन में लिटिल लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा स्क्रब भी कर सकते हैं, जिससे हमारे स्किन के जो पोर्स हैं अच्छी तरह डीप क्लींस हो जाएगी हमारी स्किन, और वो रिफ्रेशिंग लगेगी। एलोवेरा का हमें सबको पता है कि एलोवेरा जो है स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत काम आती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, ड्राई नहीं होने देती। और अगर बात करते हैं हम यहाँ पे ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट की, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट के अंदर विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन को एकदम से यंग रखता है, क्लीन रखता है, डर्ट फ्री रखता है। टी ट्री एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब टीटी एक्सट्रैक्ट से हमारी स्किन थोड़ी यूथफुल यंग लगती है। और अगर लास्ट में हम बात करें रोज ऑयल एक्सट्रैक्ट की, देखो इसके अंदर पीछे सब बताया भी हुआ है, इसके अंदर एलोवेरा है, ऑरेंज पील है, लेमन है, टीटी एक्सट्रैक्ट है, रोज ऑयल है। अगर हम यहाँ पे रोज ऑयल की बात करते हैं तो यह हमारी स्किन को स्मूथ करने का काम करता है। इसको यूज करना बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू अपने अपने फेस में थोड़ा सा पानी लगाना है, इसके बिल्ट इन ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं इतने स्मूथ हैं कि वो आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से डर्ट फ्री कर देंगे, और आपके पोर्स को स्किन के क्लीन कर देंगे। और ऐसे 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रब करने के बाद कुछ नहीं करना, जस्ट राइज इट ऑफ विद फ्रेश वाटर। फेस वॉश की इतनी अच्छी स्मेल है, मेरा फेस बिल्कुल रिफ्रेशिंग हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया, आप देख सकते हो। So, आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हो और बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, मास बाय जीएससी, गुड हेल्थ कंपनी का ये फॉर्मिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन ब्रिसल। इसके साथ ही मतलब इसके अंदर ही स्क्रब आ रहा है, आपको दिख रहा है, और बहुत स्मूथ है, इसके जो ऊपर के आप कह सकते हो स्क्रबिंग एलिमेंट्स है, बहुत स्मूथ है। आप इसको यूज करके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको बाय कर लो और यूज करो और मुझे रिजल्ट बताओ। वहां पे 2 बड़े-बड़े सेक्शंस हैं, वो देखो वहां पे इनके मदर फादर हैं, अभी दिखाऊंगा उनकी हेयर्स की ट्रिमिंग कर रखी है ब्रदर आपने, जी ट्रिमिंग कर रखी है भाई। तो उनके हेयर्स की ट्रिमिंग करने का मेन रीजन क्या है, थोड़ा ऑडियंस को पहले ही बता देते हैं हम, ताकि वो ये ना बोलने भाई यार बाल काट रखे हैं, शिट्ज़ु कैसा लग रहा है ये वो, उसका क्या रीजन है? शिट्ज़ु का ऐसा है, जैसे फैमिली में एक फीमेल या मेल रखना हो तो रख सकता है, जैसे कैनल पे हमने इनकी केयर ज्यादा करनी होती है, मतलब ये स्वस्थ रहें,
सुंदर से ज्यादा या स्वस्थ रहने चाहिए। हाँ, स्किन इन्फेक्शन, नोटिक्स वगैरह, फंगल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा बीमारियों का इसलिए आपने उनको ग्रूम कर दिया फाइनल पूरा। हाँ, मतलब सीजन स्टार्ट हो गया, जो लॉन्ग हेयर ब्रीड है उनके लिए गर्मी आ चुकी है, उसके लिए स्टार्ट कर। सो जिनके पास लॉन्ग हेयर ब्रीड है उनको पता ही होगा ये करना तो मोस्ट एफिशिएंट एंड बेस्ट होता है, कई लोग जर्मन शेफर्ड के साथ भी करते हैं। सो भाई का होम ब्रीडिंग सेटअप है, मैं पहले कह रहा हूँ, बट क्वालिटी एंड मेंटेनेंस आपको पपीज देख के पता लग रही होगी। ये देखो, दिखाते हैं। अरे भाई बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, छोटे साहब अंदर 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 अंदर, क्या बात है। इसमें से कितने मेल कितने फीमेल है? ये 8 मेल है और 2 फीमेल है। 8 मेल एंड 2 फीमेल। हाँ जी, 2 फीमेल आज चली गई है। 2 फीमेल आज चली गई, मतलब मेन आपके पास तादाद जो है वो मेल्स की है। मेल्स की है। अभी मैं आपको ये उठा के दिखाता हूँ क्या क्वालिटी है। सो भाई फिलहाल आगे छोटे से केज के सेटअप में, हमने फिलहाल यहाँ पे पेंसिल केज बोलते हैं इसको ब्रदर, पेन केज हमने यहाँ पे पेन केज लगाया ताकि लाइटनिंग अच्छी रही है। देखो मेरे हाथ में शिट्ज़ू का पप्पी है, अपनी कुकी जैसे हैं ये तो। इनके क्या एज है फिलहाल? इसमें से 1 लीटर तो है 37 डेज का, 1 लीटर 35 डेज का, 1 लीटर 32 डेज का, दो दो तीन दिन ने गैप में तीन फीमेल डिलीवरी हुई है। तीन फीमेल्स के पपीज आए हैं फिलहाल। ये देखो, आ जाओ पास आओ, ये देखो, और आ जाओ। सारे के सारे पपीज केसीआई रजिस्टर्ड है भाई साहब, मतलब इतने सारे शिट्ज़ू एक घर में हो कितना मजा आएगा ना। हेलो देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे के सारे ना, इनको जहाँ पुचकार मारो ना ये वहीं आ जाते हैं, और जैसे अब यहाँ पे आके खड़ा हो ये मेरे पास ही आके खड़े हो गए। हेलो हेलो, आप देख सकते हो यार, पास आके दिखाओ कि पप्पी की मार्किंग, ये देखो पपीज की मार्किंग इतनी अच्छी है ना इनकी, एंड आप देख सकते हो क्वालिटी क्या है। और ये कॉमन सी बात है कि 30 से 37 डेज के पप्स हैं, ये 3 लॉट के हैं, तो इतनी जल्दी तो पप्पी नहलाया नहीं जाता है ना, सही बात है, कोई ड्राई वॉश नहीं होती, फिर भी देखो कितने क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड होम ब्रीडिंग इसे बोलते हैं। और जस्ट फॉर घर के अंदर रोशनी थोड़ी कम रहती है, सो इसीलिए मैंने बाहर छत पे पपीज रखवाए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ क्वालिटी क्या है। देखना उधर क्या कर रहा है, क्या बात है। हेलो हेलो हेलो, मस्ती मार रहा है। सो यहाँ पे इतने सारे पपीज हैं, मैं आपको कौन कौन सा दिखाऊं, दिखाओ मैं आपको पास से दिखाता हूँ सारे। ये देखो हर एक की अलग अलग मार्किंग है, हर एक की अलग अलग मार्किंग, और इतने सारे क्यूट क्यूट पपीज हैं। देखना इधर, देखो देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं कुकी का भाई। अच्छा ये भी है, अच्छा तू भी है, सारे ही है। सही, देखो इस पे ब्लैक पैच है, ब्लैक मार्किंग में है जो अभी ब्राउन होने लग रहा है धीरे धीरे। देखो सारे पप्स हेल्दी हैं, 8 मेल हैं और 2 फीमेल है, इन टोटल ये 10 बच्चे हैं जो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, क्या बात है। सो भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई आज ना हम भाई के पास आए हैं 2 वीडियोस कवर करने, एक में हम दिखाएंगे शिट्ज़ू और एक में हम दिखाएंगे भाई की होम ब्रीडिंग के हस्की पप्स, ठीक है। सो मैं ये जानना चाहूँगा फिलहाल जो शिट्ज़ू का प्राइस है इनका, मेल फीमेल का क्या प्राइस है? मेल फीमेल का सेम ही सर रहेगा, 25 to 30,000 के बीच में अराउंड, ये एज पर मार्किंग एंड हेल्थ। हाँ ओके। सो यार मैं एक बड़ी बात बता दूं कि शिट्ज़ू के अंदर ना मार्किंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, सही बात है ना अभिषेक भाई? बिल्कुल भाई, सबसे ज़्यादा शिट्ज़ू की मार्किंग मायने रखती है कि मार्किंग आउट तो नहीं हो रही, पप्पी की क्वालिटी कैसी है। एंड सेकंड बात, अगर भाई ने आपको प्राइसिंग बताई है कि 25 से 30 में पड़ेगा, तो 25 से 30 में विद केसीआई है, विदाउट केसीआई नहीं है। हाँ, विद केसीआई है और इंपोर्ट ब्लड लाइन है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है ये। ओके, रशिया इंपोर्ट के ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है। ओके, सो अभी फिलहाल हम आपको इनके मदर एंड फादर भी दिखाते हैं, उनके बाल ट्रिम कर रखे हैं, बट आप समझ जाओगे देख के क्वालिटी क्या है। बालों के साथ ही शिट्ज़ू की वैसे तो देखो शोभा होती है, क्वालिटी होती है, बट फिलहाल यार गर्मी इतनी हो रही है, देखो मेरे को कितनी स्वेटिंग आ रही है, सो इसी करके उनके हेयर ट्रिम कर रखे हैं। सो इनके पास बाद में आते हैं, मदर फादर देखते हैं। ये भाई ने छत पे सेटअप बना रखा है, जब धूप नहीं होती तो भाई यहाँ पे छोड़ देते हैं। इधर सारे सेक्शन में फीमेल्स रख रखी है, माल्टीज भी है, देखो कैसे कूद रही है, और इधर है जो मेल है, और तुम देख सकते हो टॉय ब्रीड है, बट स्टिल इतना बड़ा सेक्शन जिसमें 2 मेल रह रहे हैं। एंड हेयर वी गो, ये देखो इतना बड़ा सेक्शन जिसमें फीमेल्स रह रही हैं, पागल हो गए। ये माल्टीज है देखो,
हेयर ट्रिम करके पता ही लगता है इनकी शोभा बालों के साथ है। वरना माल्टीज तो एक बार ऐसा लग रहा पोमेरियन है ना, बालों के साथ है। क्या बात है। तो अभी फिलहाल देखो इनमें से मदर जो है एक तो ये है वो रही, ठीक है, एक मदर, दो मदर ये हैं, ये रही। क्या हुआ फिलहाल ना एक्चुअली इनके हेयर ट्रिम्स हो रहे हैं इसीलिए थोड़ा देख नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रही खास। बट अगर इनके मैं ना एक्चुअल ऐसा करते हैं आप मेरे को इनकी फोटोज भेजना, तो आपको वीडियो में दिख रही होंगी फोटो लगी हुई दिखाते हैं इनकी विद हेयर फोटोज होंगी आपके पास, तो हम वो फोटोज दिखाते हैं आपको पता लग जाएगा मदर कौन सी है कैसी दिखती है। देखो एक वो रही, एक वो रही, एक ये आ गई, ठीक है। ये माल्टी सही अभी बच्ची अभी चाहिए। ओए गुजी गुजी, हेलो हेलो। और अभी उधर जाएं फादर वाले सेक्शन में, सो ये रहा फादर, वन इज ब्रूनो एंड अनदर इज किंग, है ना किंग ये, ये देखो ये ब्रू, ये किंग है, ये ब्रूनो है, ये ब्रूनो है। सो ये ब्रूनो है यहाँ पे, इसके भी हेयर ट्रिम कर रखे है भाई ने, ठीक है। और ये रहा किंग, ये देखो क्या बात है। हेलो, कितना पंच्ड फेस है यार, क्या बात है। और अगर इनकी नोज आउट दिख रही है तो इसलिए लग रही है बिकॉज इनके हेयर्स ना बिल्कुल ट्रिम कर रखे हैं। असली जो पंच्ड फेस होता है शिट्ज़ू का वो विद हेयर्स पता लगता है। ये देखो कितना प्यारा डॉग है यार ये। हेलो हेलो किंग किंग, हेलो सो ये तो हैं फिलहाल भाई इनके पेरेंट्स। और अभी को हम चलते हैं बच्चों के पास, जो कि मैंने वो भी छत पे बुला रखे, मैं तुम्हें दिखाया, देखो ये बैठे हैं सारे। ओए चिंडी पिंडी गैंग, क्या हाल है, हेलो गाइस। ये सारे शिट्ज़ू, इतने सारे शिट्ज़ू देखे हैं आज तक कभी। सो अब सारे के सारे नन्हे मेहमान जा रहे हैं अपने नीचे, जहाँ पे इनका एसी कूलर मस्त लगा हुआ है, छोटे छोटे से हैं, इनको इसी में लेके जाएंगे हम। कोई चक्कर नहीं, रखो रखो, इसमें क्या, अपने को रियलिटी दिखानी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, देखना सारे प्यार से उसके अंदर रखे जाएंगे और सब अपने मदर के पास। अभी मदर भी नीचे चली जाएगी वहाँ से, फीडिंग का टाइम हो गया, और ये आराम से सारे के सारे, क्योंकि देखो पता क्या यहाँ पर रोशनी अच्छी आ रही है, सो हमने यहाँ पर फिलहाल पप्पीज ऊपर रखे। और अब ये सारे चिंदी पी दियो भाई साहब, इतने इतने सारे चिड़ते ना, कैसे बिल्ली के बच्चे की तरह घुस गए आपस में, क्या बात है। चलो चल भाई, बाय बाय। सो ये फिलहाल जा रहे हैं सारे। सो मैंने आपको दिखा दिए इनके मदर, इसका फादर किंग एंड ब्रूनो, और इनके तीनों मदर्स, बच्चे टॉप कॉम्बिनेशन में हैं, विद केसी आई हैं, फोटोज के लिए लाए थे, दिखा दिया, वो देखो पीछे, वो देखो केज खाली है। तो तुम्हारे सामने है सारी रियलिटी, तुम्हारा भाई शुरू से रियलिटी में बिलीव रखता है, होम ब्रीडिंग सेटअप है कह रहा हूँ, बट एथिकल वे से है, तुम देख सकते हो। कैनल के लाइसेंस में भी यही बोला जाता है कि खुला स्पेस दिया जाए, बहुत खुला स्पेस दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, उधर भी बहुत खुला स्पेस दिया हुआ है। और होम ब्रीडिंग करी हुई है, दो मेल हैं, तीन फीमेल हैं, चौथी माल्टीस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये नहीं है कि 20-25 डॉग्स भर रखे हैं भाई ने, लिमिटेड रख रखे हैं 7-8 इंक्लूडिंग मेल, और क्वालिटी पप्स हैं। सो तुम्हें भाई ने रेट भी बता दिया, 25,000 से 30,000 के बीच में बच्चा पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में भाई का लिंक है, जाके इनको कॉन्टैक्ट कर लो, इससे अच्छा शिट ज़ू की क्वालिटी अपने हरियाणा में कहीं नहीं मिलने वाली तुम्हें। बाय कर लेना जिसको लेना हो, प्लीज़ टाइम पासर दूर रहना, मजे मत लेना भैया, 15,000 का दे दो, 10 का दे दो, 20 का दे दो, 25 to 30 के बीच में यह भाई ने तुम्हें ब्लंटली बता दिया, टाइम पास मत करना। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।